What's up, guys? This is Arup. You are watching AKS Holidays. कम से कम चार से पांच बार कोशिश करने के बाद ये बात मैंने बोल पाया. फिलहाल आज हम जा रहे हैं एक टूर पे. देख के ही आपको पता चल रहा है. और अभी मैं रामपुरहाट स्टेशन पे हूँ. स्टेशन से जस्ट वेट कर रहा हूँ ट्रेन आने का. तो कहाँ जा रहे हैं? बहुत ख़राब सिचुएशन है. कोविड का ये बढ़ चुका है और सिचुएशन और भी ख़राब हो चुका है. लेकिन क्या करें, प्री प्लान्ड है. तो थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने. तो जा रहे हैं हम फैमिली के साथ बेंगोली का फेवरेट डेस्टिनेशन जो दीपू दा बोलते हैं. दैट मीन्स दार्जिलिंग, पूरी और दीघा. सो उसी में से एक जो पहला नाम आता है दार्जिलिंग. सो दार्जिलिंग में हम जा रहे हैं. तो अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का. भाई पब्लिक प्लेस में ये मेरा पहला ब्लॉग है जो इतना आसान नहीं है बोलना. तो हम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंच चुके हैं. ऑलराइट, यहां तक बंदा स्टेशन में जाके बोला, लॉगिन किया, पब्लिक प्लेस में जाके पहला बार बोला, लेकिन इसके आगे इतना नहीं हो पाया. और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया. और ऐसा बात नहीं है, एक तो होता है एक्सपीरियंस मेरा कम है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन हो नहीं पाया. फिलहाल हम ट्राई करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे अगले वीडियो में. इस टूर में जो ब्लॉगिंग का अपॉर्चुनिटी था वो मेरा मिस हो गया. तो आगे के स्टोरी मैं बता रहा हूँ, वीडियो देखते जाइए. मैं पीछे पीछे बोलता ही जाऊँगा. NGP से एक कार हायर करने के बाद हम लोग निकल गए दार्जिलिंग की ओर. और हम लोग बहुत खुश थे, बहुत दिन बाद पहाड़ पर जा रहे. चलते हुए ड्राइवर ने पहला स्टॉपेज दिया पंखाबाड़ी में, जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट किया. बहुत अच्छा खाना था, रोटी सब्जी अंडा टोस्ट मोमो वगैरह खाते हुए. और फाइनली चाय पीते हुए हम लोग वहाँ से निकल पड़े. बहुत दिन बाद हम लोग एक साथ घूमने जा रहे हैं, वो भी पहाड़ पे. नज़रिया भी बहुत अच्छा था. और ऐसे देखते हुए हम लोग पहुँच गए हैं कालिम्पोंग में. और ज़्यादा दूर नहीं है. ऐसे हम नज़रिया देखते गए और इंजॉय करते रहे पूरा सफ़र. तो फाइनली हम लोग दार्जिलिंग में पहुँच गए हैं हमारा होटल में. ये हमारा होटल से आउटलुक है. उस साइड में कंचनजंगा की व्यू मिलेगा. ये हमारा रूम है. दार्जिलिंग में ठहरे हुए थे हम होटल नॉर्थ स्टार में. उसके बाद दोपहर में लंच किया होटल महाकाल में. खाना बहुत टेस्टी था. और उसके बाद एक टैक्सी लिया. टैक्सी लेने के बाद हम लोग चले गए पद्मजा नायडू जियोलॉजिकल पार्क. दार्जिलिंग में यही एक जगह है जहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम बिताया. और क्यों नहीं बिताया, क्योंकि बाकी जगह क्लोज भी है कोविड की वजह से. और हम लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि शाम हो चुका था ऑलमोस्ट. पहाड़ पे सब कुछ जल्द जल्दी बंद हो जाता है. तो इसलिए हम लोग यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए. और ऑलमोस्ट 70% कवर करने के बाद, क्योंकि पूरा नहीं देख पाए, पूरा खिला भी नहीं था. तो कवर करने के बाद हम लोग दूसरी जगह पर चले गए.
जू के बाद हम लोग पहुंच गए एक टी गार्डन पे। यहाँ पर भी हम लोग क्वालिटी टाइम बिताया और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट देखने को मिला जो भी हम लोग की तरह फोटो और टाइम बिताने के लिए आए हैं। ये भी बहुत अच्छा जगह था, सीनरी भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हम वापस होटल पर लौट गए क्योंकि मॉल भी बंद हो चुका था और सारा प्लेस भी बंद हो चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे बहुत भारी भरकम बारिश हो रहा था तो इस बारिश में हम लोगों का बाकी का प्लानिंग मिस हो गया, यानी कि अब लोग बोल सकते हैं कि पूरा प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो फिर भी हम यहाँ से निकल गए हैं। बारिश लगभग बंद होने वाला है लेकिन हम लोगों को कौन रोक सकता है। हम लोग पहुँच गए हैं बताशो लूप पे क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम है दार्जिलिंग से कहीं और जगह जाने के लिए। तो फिलहाल बताशिया लूप हम इंजॉय कर रहे हैं। ये जगह बहुत सीनरी के लिए अच्छा जगह है। बाताशिया लूप के बाद हम लोग पहुंच गए हैं घूम मॉनेस्ट्री पे। ये मॉनेस्ट्री भी बंद था लेकिन हम लोग जब गया तो तब बारिश भी बंद हो चुका था और हम लोग की वजह से इन लोग दरवाज़ा भी खोले। घूम स्टेशन क्रॉस करते हुए हम लोग चले जाएंगे अगले डेस्टिनेशन पे जो कि है लेपचा जगत। Finally, we are reaching at Lepcha Jagat. So, इस वीडियो के लिए इतना तक ही। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे लेपचा जगत और एक्सप्लोर करेंगे लेपचा जगत का सीनिक ब्यूटी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बस तब तक के लिए बाय बाय।